आश्रम छोड़ दिए थे तभी जीवन मुक्त नहीं थे, आश्रम में थे तब भी जीवन मुक्त थे, छोड़ दिए और अच्छा किए। आश्रम में ही शरीर छोड़ दे तो भी जीवन मुक्त थे। तो 33 वर्ष की उम्र में उनको समझ हुई कच्ची गृहस्थी में और जीवन मुक्त हुए। और कोई बाले ब्रह्मचारी हो और सढ़ा सढ़ा हो तो क्या करेगा बाल ब्रह्मचारी का, अथवा बाल ब्रह्मचारी हो सढ़ा ना हो सदाचारी हो त्याग से रहे लेकिन पूरा काम न कर पावे तो बाल ब्रह्मचारी होने से क्या हुए। बुद्ध बाल ब्रह्मचारी तो नहीं थे, जीवन मुक्त पुरुष थे। इसलिए पहले क्या था इसका महत्व तो नहीं, आज क्या है। वर्तमान ठीक है तो सब मंगल है, वर्तमान में गलत है तो सब गलत है। इसलिए वर्तमान को देखने की जरूरत है। किसी को हराला नहीं बनना चाहिए, गलती कल किए हैं वो मर गया, आज उस गलती को मन वाणी कर्म से छोड़ दो, गलती खत्म हो गई, सही हो गई। अहंकार है गलती के लिए तब नहीं छूटेगा, हमने किया ठीक किया तब फिर गलत है। मन वाणी कर्म से लगे नहीं गलत किया, ग्लानि हो जाए पूर्ण बस खत्म हो गया। भवसागर से तरने की बात यही सब है। कोई महापुरुष ऐसा नहीं हुआ है कि जिसके जमाने में चारों तरफ सब सुविधाएं थी, पास के लोग सब समर्पित थे और कोई उनकी आलोचना नहीं करता था, कोई बुराई नहीं करता था, जहां आते जाते थे वहां कोई बुराई नहीं होती थी, सब जगह सत्कार होता था, ऐसा कहीं नहीं। मैंने महान पुरुषों को देखा, उनकी पूजा करते थे वो बुराई करते थे। एक जीवन मुक्त पुरुष को जब एक गांव जाना था, वहां रहना था कुछ दिन, तो वहां के महंत ने रात भर उनकी बुराई की, उन्हीं के शिष्य, वो उनका शिष्य गया था देखने वाला, उन्हीं से बुराई की, जब तक जागते रहे उनकी बुराई करते रहे। तो आ करके वो बताए श्रेष्ठ संत ने कि आपकी तो साहब बुराई करते हैं, जब तक जागे बुराई किए। अरे ठीक है नहीं जाएंगे। दूसरे दिन उनको लगा कि मैंने बहुत गलत किया है, गए बंदी छोर कब चलेंगे। महाराज चुप हो गए, फिर कहे हमारे जाने से तुम्हें कष्ट हो हम क्यों जाएं, नहीं बंदी छोर न चलेंगे तो कष्ट होगा। कहे ठीक, गए। ये दशा मैंने आंखों से सब देखा है। कृतार्थात्मा पुरुष हैं उनको गाली देने वाले हैं, दूर के लोग हैं निकट के लोग भी गाली देने वाले, गाली देते हैं, गाली देंगे मतलब बुराई करते हैं और सामने हाथ जोड़ के आरती भी करते हैं। इस सब के लिए राम सीता को ऐसे निकाले हैं, निकाले हैं, गलत किए हैं, सही किया अलग विषय, लेकिन वो क्लांत हो गए थे, धोबी ने नहीं ताना मारा था। ये भेड़ी समाज भेड़ी है, एक तरफ एक भेड़ी चली सब उधर टूट पड़ते हैं, एक ने कुछ कहा उसमें अधूरे दिमाग वाले उड़ने लगते हैं, गंभीर बात उसमें कोई कहने वाला बड़ा दुर्लभ होता है। बस राम सीता को फिर ले आए, रख ली 22 महीने जहाँ रावण यहाँ रही। अब इसी दशा हम लोगों की क्या होगी, हमारी स्त्रियाँ कहीं भी रहें फिर मानना पड़ेगा। सुनते सुनते राम बहुत दुखी हो गए, तब उन्होंने चुपके से निकाला। ये एक जगह की बात नहीं है, पूरे देश काल में ये व्याप्त है। इतना सब जान करके भी जो अपने मन को मार के अपने ही पर निर्दृढ़ होगा उसका भवसागर पार कैसे होगा। ये अहंकार कि मेरे प्रति ऐसा ना हो, राम के प्रति हुआ, कबीर के प्रति हुआ, कबीर की 52 कसनियाँ, 52 कसनियाँ काल्पनिक हो सकती हैं
हो सकती क्या है ही, लेकिन उसके आधार में समझ सकते हैं कि उनको खूब तकलीफ दी गई है। लेकिन तकलीफ देने वालों को उन्होंने गाली नहीं दी है, कटु नहीं कहा है, बुराई नहीं की है, बदला नहीं लिया है। उनके साथ कोई कमांडो रहता था, शरिंदा साधु और वीर, एक की बात नहीं सब की बात है। जितना नीति में लिखा है कि जो जितना प्रसिद्ध होता है उसका सत्कार करने वाले उतने होते हैं और निंदा करने वाले उतने होते हैं। बस सत्कार करने वाले ज़्यादा होते हैं, लेकिन मतलब है कि कम प्रसिद्ध हैं तो दो चार लोग निंदा करने वाले हैं, और ज़्यादा प्रसिद्ध है तो 150 निंदा करने वाले सब हो सकते हैं, और ज़्यादा प्रसिद्ध है तो और निंदा करने वाले हो सकते हैं, वो पूजा करने वाले हो सकते हैं। जहाँ जहाँ प्रसिद्ध पुरुष जाता है लोग निंदा करते हैं, स्तुत करते हैं, आश्रय लेते हैं, आश्रय देते हैं। ये नीत में लिखा है, नीत में वही लिखा जाता है जो घटता है। बड़े पुरुष जहाँ जाते हैं लोग आश्रय देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और लोग आकर के आश्रय लेते हैं, प्रशंसा करते हैं, और कुछ लोग होते हैं निंदा करते हैं। ऐसे भी होते हैं जो दोनों काम करते हैं, सामने प्रशंसा करते हैं पीछे निंदा करते हैं, और वो सब भी चलता है, और वो सब जानते हैं, लेकिन उसको जीत के रहते हैं। अपनी पत्नी से लोग उलझते हैं, बच्चे से उलझते हैं, और उलझ करके वो नुकसान ही करते हैं। नहीं रह पाते तो छोड़ दो पत्नी बच्चे को, एक साथ रहना है तो सहने की जरूरत है। ऐसे गृहस्थों को मैंने देखा है कि उनका लड़का कटु कहता है, लेकिन वो किसी से नहीं कहते हैं कटु कहता है। जब चार लोग बैठते हैं तो कहते हैं सब बड़े बहुत अच्छे हैं, बुराई करता है हमारी, लेकिन वे नहीं कहते हैं कि हमारा लड़का हमारी बुराई करता है। ऐसे मैंने गृहस्थ भक्तों को देखा है, और अभी भी संपर्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है उनका। सब जगह से प्रभाव लेना चाहिए। हमारे ही साधु धर्मेंद्र और गुरुभूषण गए श्रीपति जी से मिलने के लिए, उस समय शायद नगर आयुक्त थे, यही लोग बता रहे थे कि जब लोग आए तो कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, उल्टा पलटा अपना अपना काम के लिए, कोई कुछ जिद दायरा है, वो शांत सुनते रहे। अब एक तरफ से कहाँ तक कोई कहा, सब चुप है, तो अपना कबीर साहब का हो प्रवचन सुनाने लगे सबको वाणी, सब ठंडे हो गए बेचारे। तो ये लोग निकले कि ऐसी अवस्था में तो हम लोग उत्तेजित हो सकते थे, इनसे तो बड़ी प्रेरणा मिली, इन लोगों ने ही मुझे बताया। कोई साधु भेष धरे हो वही रहनी में रह सकता है, और धोती कुर्ते फुल पैंट शर्ट में वो नहीं रह सकता है, ऐसी बात नहीं। रहनी में जो रहे वही रह सकता है, न फुल पैंट शर्ट कुछ काम नुकसान देगा, और न अचला लंगोटी हमारे लोगों को फायदा करेगा। काम करेगी रहनी, अचला लंगोटी पहन करके तो और अहंकार घिरता है। हम सब साधु हो गए, साधु हो गए, गुर्राने लगे, सबसे बड़े हो गए। अब अंदर में कितनी साधुता है, कितनी समझ है, इसका तो हो सवाल से नहीं। कहावत है, सौदा करे दुकान धरे ना, फकीरी करे फकीर बने ना, फकीरी करे फकीर न बने। साधु वेश धर लेने का मोह कि साधु वेश धर लें झट से, क्या इसमें धरा है? कभी भी इसी लालसा नहीं होनी चाहिए। मैं तो घर छोड़ा था तो बस एक ही संकल्प था, गुरु संतों के चरणों में पड़ा रहना, साधना करना, कोई कामना और नहीं। और वो कामना मेरी पूरी हुई। तो साधु वेश धर करके तो घमंड बढ़ता है, सावधान न रहो तो और पतन होता है। हम लोग बाबा हो गए, मुड़ मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट गई खाज,
बनी बनाई रोटी मिले, लोग कहें महाराज। सब जगह महाराज आए, महाराज आए। अब महाराज में कितना भंगार है, महाराज ही जाने। इसलिए खतरे हर जगह हैं, ये बड़ा सूक्ष्म है। ये जो सात्विक खतरा है अत्यंत सूक्ष्म है। सोने की बेड़ी काट के फेंकना बहुत मुश्किल है, समझदार के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। हमारी गोद में सांप गिर जाए तो हम तुरंत फेंकेंगे, बिच्छू गिर जाए तुरंत फेंकेंगे। ये जो दोष है मन का, कौन कल्याणार्थी चाहेगा कि मन में दोष रहे। नश्यता की बात वो कितनी मार्मिक है। जब यमाचार्य ने कहा कि आत्मा क्या है मत पूछो, स्त्रियां ले लो, बच्चे ले लो, 100 वर्ष की उम्र ले लो, बाजे गाजे ले लो, स्वर्ग ले लो, उसने कहा भगवान ये तो इंद्रियों को जीर्ण करने वाले हैं। स्वभावा, संस्कृत में स्वभावा तालब्बी सर से होता है, स्वभावा। स्वनाम कल, अभाव नाम न रहना। जो कल नहीं रहता है, आज है कल नहीं है। संसार की सारी चीजें स्वभावा हैं, कल नहीं रहेंगे। उसी चीज को आप दिखा रहे हैं। आत्मा मैं जानना चाहता हूं, तब उन्होंने कहा कि तू सच्चा पात्र है, और उन्होंने लंबा व्याख्यान दिया। साधक कोई गृहस्थ हो, विरक्त हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो भवसागर से तरना चाहे वो अपने को मारे, अपने को समझे कि मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं। देह तो मिट रही, आजकल में खत्म हो जाएगी, और अपने आत्मा का उद्धार होगा अपने को मारने से। अपने मारने मतलब है अपने मन को मारना, अपने अहंकार को मारना, अपने कुटेव को मारना। और उसमें सबसे ज्यादा रोग है अहंकार। अहंकार ठन का भन भना गए। हम पत्थर मारते हैं, आगे कोई स्तंभ नहीं है, दीवार नहीं है, तो कहाँ भन बनाएगा। लेकिन आगे दीवार है, स्तंभ है, तो भन बनाएगा, खट दे होगा। कोई घटना घटती है अनुकूल या प्रतिकूल, अगर अहंकार का खंभा है तो भन बनाएगा। अनुकूलता मिली तो चिपकाहट हो जाएगी, प्रतिकूलता मिली तो क्रोध आ जाएगा। दोनों स्थितियों में न क्रोध आए न चिपकाहट हो, ये अहंकार का खंभा टूटने से कल्याण होगा, ऐसी दशा आएगी। हमारा अहंकार टूट जाए तो दूसरे क्या फायदा, हमारा फायदा है। अब आजकल में पता नहीं लगे ये साथी लोग कहाँ गए। पहले हम आए हैं तो समाज, वो उसमें एक भी व्यक्ति नहीं है। वही विमल साहब हैं, निहाल साहब हैं, दो जने हैं। निगम दास जी तो बेचारे पीछे आए, साधु शरण भी पीछे आए। जब मैं आया था उसके पहले के निहाल साहब विमल साहब हैं और कोई नहीं, तब भी समाज था और एक व्यक्ति नहीं। उस समय भी अपना राग था, द्वेष था, हानि थी, लाभ था, अनुकूल था, प्रतिकूल था, उल्टा पलटा कहने वाले थे, अच्छा कहने वाले थे, और जो जो जैसी जैसी कमाई की ले ले करके गए। अब वो सब कुछ नहीं रहा। ये आज का रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, किसी का नहीं रहता, केवल हमारा नहीं आपका भी। एक वचन में आता है, हाँ सितम अपने ही ऊपर बात कुछ छिड़ी नहीं, बादशाहों के भी झंडे गड़े रह जाएंगे। केवल मैं अपने लिए नहीं कहता, बादशाहों के भी झंडे गड़े रह जाएंगे, वो चले जाएंगे। ये तो तब अहंकार हम करें कि और लोग मर जाएंगे हम रहेंगे, और तब दुखी हूं कि हम ही मरेंगे, क्या कहें, और लोग तो सब बने रहेंगे। कोई नहीं रहेगा तो ना अहंकार करने की गुंजाइश है और न दुखी होने की गुंजाइश है। समझने की जरूरत है। सब व्यवहार क्षणिक 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 क्षणिक,
जिसको लेकर के उद्वेलित होते हो क्षणिक, कुछ स्थिर नहीं, लेकिन मैं स्थिर हूँ, मैं वही हूँ, 10-20-30 वर्ष पहले जो था वही हूँ, आज भी हूँ, आगे भी वही रहूँगा, मेरा संबंध मेरे से और किसी से भी नहीं, सारा संबंध झूठा है, मिथ्या यह संसार, झूठ झूठा के डारू मिथ्या यह संसार, ये संसार मिथ्या व्यर्थ है, झूठा है, सब झूठ मूठ का तमाशा है, दिखावा है, एक तमाशा एक दिखावा, कव्वाली में गाया है, नरम नरम बिस्तर पर अपना आसन जमाना चाहते हो, सकरात को तो भूल गया, सकरात कहते हैं मृत्युकाल के दुख को, जो मृत्युकाल की स्थिति आएगी उसको भूल गया, सकरात को तो भूल गया, अंत में होने वाली बात को भूल गया, घोर प्रमाद है जो हम समझते हैं कि जो ऐसा है यही सब ऐसे रहेगा, घोर प्रमाद है, कुछ भी किसी का नहीं रहेगा, कुछ किसी का है ही नहीं, है अपना आत्मा अपना है, वह धन्य है जो सब की बात सह लेता है और अपने आत्मा में रमता है, उसको चिंता नहीं है, भय नहीं है, शोक नहीं है, वो सुख की नींद सोता है रात भर और दिन भर अपना विवेक विचार से रहता है, पवित्र प्रसन्नता में रहता है, जो कला में रहता है वो सो नहीं सकता है ठीक से, वो शांति नहीं पा सकता है, उसका हित नहीं हो सकता है, दूसरे को धक्का दे करके हमारा कल्याण होगा, कोई धक्का में है उसको संभाल पाओ तो संभाल दो, पहले सेवा कर, धक्का दे करके हमारा कल्याण नहीं होगा, अपने को संभाले, किसी को धक्का ना दे, अपने अपने कर्म से धक्का खाते हैं लोग, खाते हैं, क्या किया जाए, हरदम अपने को संभाले, भव सागर से तरना क्या है, मन से तरना, एक मन से तर गए भव सागर से तर गए, मन मूल है, मूल गहे ते काम है ते मत भरम बुलाओ, जो मन में विवेक में जागृत है तो हान लाभ में वो द्वंद ग्रसित नहीं होता है, हान झूठी लाभ झूठा, सामने ही बकवास कर रहा है, क्या होता है, वो घटना मैंने जो बताई थी उसके पहले की घटना कलकत्ता की थी, वो बोल रहा था और मेरा वहाँ होते हैं, जब मैं पहुँचा तो फूल माला इतनी लोग चढ़ाए हमें, उसको एक भी नहीं चढ़ाए थे, तो फिर वो गाली देने लगा मुझे, नाम नहीं लिया, गाली देने लगा, खूब बोला, आधा घंटा तक खूब मुझे कटका, बहुत उद्दंड है वो, अब लोग कनकना गए, मैंने कहा भाई देखो कुछ कोई बोलो मत, इशारा किया, सबको शांत रखा, जब खत्म हुआ तो मैं बोला तो उसका स्पर्श भी नहीं किया, तो बहुत वर्षों के बाद एक प्रसिद्ध आचार्य जी मिले, कहे साहब मैं वहाँ आपका दास हो गया था, मैंने कहा आप वहाँ थे, कहे हाँ मैं था, मैं नहीं जानता था, वो कहीं बैठे रहे होंगे, जब उतना गाली दिया और आप मालूम होता सुने ही नहीं हैं तो मैं आपका दास हो गया, मैंने कहा आपकी विशेषता, मेरी विशेषता कुछ नहीं, मैंने क्या उपकार किया और क्या बड़ाई की, मैं क्षुब्ध होता तो मैं दुखी होता, अपनी मूर्खता ही पेश करता, तो मैंने मूर्खता नहीं की, बस मैं रोगी हूँ और मैंने दवाई खा ली तो मेरी बड़ाई क्या हो गई, बुखार है और हलवा बना है, अगर हलवा मैंने नहीं खाया तो उसमें हमारी बड़ाई क्या है, समझदारी है कि भाई हलवा खाएंगे तो बुखार और बढ़ जाएगा, तो उसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं, आपने जो मेरे लिए शब्द कहा वो आपकी बड़ाई, मेरी कुछ बड़ाई नहीं है, मैंने अपने जीवन में इसको करके देखा, इसलिए मुझे उत्तरोत्तर पश्चाताप का समय नहीं आया,
अब पहले थोड़ी मोड़ी भूल चूक की बात अलग है, लेकिन आगे चल करके मुझे पश्चाताप का प्रसंग नहीं पड़ा, किसी बात पे नहीं पड़ा। यहाँ पर संस्थान कायम किया, यहाँ इतना काम हुआ, लेकिन किसी काम में मुझे पश्चाताप नहीं करना पड़ा। व्यवहार में त्रुटि हो सकती है, क्योंकि व्यवहार में हर जगह बुद्धि किसी की भी ओर नहीं पहुँच सकती। अमुक काम करना है, वो काम करने से अपने करो फिर पीछे लगता, ऐसा ना करते, इस ढंग से करते तो अच्छा होता। तो व्यवहार में तो त्रुटि हो सकती है, लेकिन अपने काम में मुझे, जिसमें पूरा साफ है अंदर, उसमें मैं त्रुटि नहीं करता, इसलिए मुझे पश्चाताप का नंबर नहीं आता है और मेरा मन सब समय शीतल रहता है। ऐसे कोई भी रह करके शीतल रह सकता है। सबका रोग वही है और सबका आत्मा वही है और सबके लिए दुनिया वही है, हवा पानी वही है, किसी के लिए प्राइवेट लिमिटेड कुछ नहीं। जो एक के लिए है वही सबके लिए है। इसलिए भिन्न देश काल होते हुए भी बात वही रहती है। यूरोप का वह दार्शनिक, नाम भूल रहा है, जो मरने लगा था, तब लोग मित्र मिलने आए तो उसने विनोद में कहा, देवदूत वैतरणी तरने के लिए नौका लाके खड़ी किए, वहाँ की भाषा में कहा लेकिन भाव वही है, और कहता है कि बैठो वैतरणी, अब तरना है तुम्हें। मैं कहता हूँ कि कुछ दिन रहने दो, मैंने जो कुछ लिखा है याद है, मैंने जो कुछ लिखा है उसका प्रभाव मैं देख लूँ जरा। वो बड़े तर्कशील थे, अंधविश्वास का बहुत खंडन उन्होंने किया था, तो जरा मैं समाज में देख लूँ कितना अंधविश्वास खत्म हुआ है, तो मुझे कुछ दिन छोड़ दो। तो देवदूत कहेगा, मूर्ख उठ, नाउ कम बैठ, अरे तू हजारों वर्ष यहाँ रहा है तो दुनिया बदलने वाली नहीं। बहुत चुभती हुई बात थी वो बात, यहाँ भी ऐसे अनुभव किया जा सकता है, हर जगह जो हम लिखते पढ़ते समझाते हैं सब मान लेंगे, सब तर जाएंगे, जो जो इच्छा होगी करेंगे तरेंगे, अपने को तारना है। भिन्न देश काल स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन जो मूल बात है वो सब जगह वही है, सबकी आत्मा वही है, सबका मन वही है, सबका अहंकार वही है, सबकी वासनाएं वही हैं, सबके लिए बंधन वही है और सबके लिए बंधन के निवृत्ति का साधन वही है उपासना। जहाँ से ऐसा रास्ता मिले, स्वामी शंकर ने विवेक चूड़ामणि में कहा है, शिष्य के तरफ से बड़े काव्यमय अलंकारों में कहा, चार पंक्तियों का मंत्र, वो बहुत जटिल, इतना अलंकार उसमें भरे हैं, अब पहले भी मैं सोचता था उसी का अर्थ करने में बहुत समय हमें लगेगा, उसको बैठाते बैठाते कल बैठाया, कितना अलंकार उन्होंने इसमें जोड़ा है। तो उसमें शिष्य कहा है, मैं पतित हूँ भव सागर में, गिरा हूँ, मुझे उठा लीजिए, प्रभु आपको छोड़ करके मैं नहीं जानता हूँ कि दूसरा भी शरण है, दूसरी भी शरण है, और शरण और कहाँ है, सदगुरु संतों को छोड़ करके कभी शरण है ही नहीं है। मैं भव सागर में पतित हूँ, और उसमें भी इतना दावा, तप्तम दावा नल, और बड़ा बड़ा अलंकार उसमें दावानल में भी जो रहे हैं, तो हम दुख में पड़े हैं, मन के दुख में, खास मन का दुख है, फिर तन का दुख है, फिर सारा संसार का दुख जुड़ जाता है। साधक को एक ही काम करना है, मन का दुख समाप्त कर देना, बस बेड़ा पार, और मन का दुख तब मिटेगा जब अपना सारा अहंकार मिट जाएगा। प्रशंसा करने वाले सावधान, फूलने न पाए मन, वैसा विवेक रहे तो क्या फूलेगा। निंदा करने वाले से तो सावधान रहने जरूर, उनका तो उपकार मानना चाहिए। जब एक संत को एक ने कहा, कपटी कहीं का, उन्होंने कहा आपने मुझे परखा,
30 वर्ष हो गए साधु हुए, उस साधु को 30 वर्ष हुए हुआ था, मुझे तो 50 से ज़्यादा हो गए। तो अपने को देख है, अपने को परख है, हर समय अपने को मार है, कौन परेशानी है। इसलिए कोई भी साधक हो जो कल्याण करना चाहे वो भयभीत न हो, वो ये न सोचे कि हमारा क्या होगा, किसी बवंडर को देख करके भयभीत न हो। बवंडर करने वाले बवंडर में रहते हैं, वो उसका फल पाते हैं, और जो साधना करते हैं वो शांति पाते हैं। साधना करने वाले कभी हार नहीं हो सकते, उसके लिए पूरी प्रकृति आरती साजी खड़ी है, उसके लिए सर्वत्र स्वागत है सत्ता में, क्योंकि उसने अपना स्वागत स्वयं कर लिया। जो आत्म प्रतिष्ठित हो गया समाज प्रतिष्ठित हो गया, अब आत्म प्रतिष्ठा नहीं है तो समाज प्रतिष्ठा क्या करेगी। राजनेताओं को तो मंत्री आते हैं तो उनके विषय में प्रशस्ति पत्र दिया जाता है झूठ झूठ, और फूल मालाएं चढ़ती हैं, कई नेताओं को तो रुपए से तौला जाता है, और जब चले जाते हैं तो गाली भी देते हैं, वही तौलने वाले गाली देते हैं, लोग बस करते हैं। तो प्रशंसा का महत्व नहीं है, हमारा मन प्रशंसित है, मन मुख्य है, मन सरल है, शीतल है, निर्माण है, अहंकार शून्य है, उद्वेग शून्य है, तो हमारा बेड़ा पार है। हमें कोई क्या कहते हैं, हम किसी सभा में बैठे बोल रहे हैं और उसमें कितने लोग बैठे हैं जो अंदर ही अंदर कह रहे हैं महाढोंगी है, बक रहा है, न इसके पास विवेक है न रहनी है, बुद्धि भी कमजोर आचरण भी कमजोर, बक रहा है केवल। और कितने लोग बैठे तो जीवन मुक्त हैं, धन्य हैं, दर्शन हमें हुए, वो दोनों से हमसे कुछ मतलब नहीं। वो जिनका जिनका जो है उनका भाव है, उनको हान लाभ उनके पास है, निज निज भाव चखे, जो हम हैं वही हमारा लाभ है, वही हमारी हानि है। अगर हमारा मन खटाई में है तो हमारी हानि है, और हमारा मन ठीक है तो हमारा लाभ है। इसलिए जो सकारात्मक साधक हैं वे भयभीत कभी ना हो, किसी बाउंडर से भयभीत ना हो। दैहिक उपद्रव आए, सामाजिक उपद्रव आए, राजनीतिक उपद्रव आए, अब देह में कैसे कैसे रोग आ जाते हैं कि उठते बैठते नहीं बनता, लेकिन घबराना नहीं चाहिए, वो सब चला जाएगा, क्या रह जाएगा। मुझे साटिका हुई थी, साटिका ठीक से जिसको होता वही जान सकता है, और वैदिक में भी लिखा है साटिका कोई रोग नहीं, जिस पर आ जाए तो वैसे थोड़े आता, उसमें भी कुछ कारण कार्य व्यवस्था होती है। तो उठना बैठना मुश्किल था, गुरछे मेरी सेवा में रहते थे और सहायक भी थे, तो मैं उनसे विनोद किया करता था कि देखो ये भूत का मामला है, तभी अच्छा नहीं हो रहा है, दवाई से वो कुपित है, बैगा से छड़वाते नहीं हो। और हंसता रहता था, लोग कहते हैं वैसे विनोद करता था, भूत भात तो झूठे हैं। और मंच पर बैठ करके कुर्सी पर भाषण करता था, भाषण में कोई नहीं जान पाता था इनको कोई दर्द है, और समय भी नहीं जान पाता था, बातचीत करता था, अपना प्रसन्न रहता था, कमर में दर्द है वो दर्द रहा है, अपनी जगह रहा है, क्या करे, दर्द सह लेता था। बहुत ज़्यादा दर्द आ जाएगा जब असहन में, तब बदहोशी हो जाती है, इसलिए डरना नहीं चाहिए कि ऐसा ना दर्द आ जाए कि बदहोश हो जाए, बदहोश हो जाए तो फिर खत्म। असहन जब दर्द होता है तब बदहोशी आती है, जब तक सहने योग्य है दर्द तब तक बदहोशी नहीं आती है, जब असहन दर्द होता तब बदहोशी आ जाती है और सब दर्द खत्म। इसलिए कहीं भयभीत न हो कि रोग लगेगा तो क्या होगा, हम साधु हैं कोई सहायक ना हो तो क्या होगा। हमें हमारे पिताजी ने कहा था, जो देह के पिताजी थे, अब माता पिता तो मोह होते किसी प्रकार रुक जाए, कहे अब साधु होने में अब बुढ़ापा आ गया, कोई आगे पीछे नहीं है, रोग है, कौन सेवा करेगा। तो मैंने कहा कि अनेक जन्मों में जंगली पशु में हुआ होगा, कौन मेरा मेरी सेवा किया होगा। अरे भाई इतना संतोष है तो ठीक है,
तो इतना संतोष किए बिना कोई साधना करेगा? तो जब सब समय संतोष होगा हर बात में, जो कोई कोप भरे मुख बैना, सन्मुख हते गिरा सर्प पैना, तुलसी तव लेस रिस नाही, सो शीतल कहिए जगमाए। गोस्वामी जी भी बहुत कलाकार थे, और गोस्वामी जी का वैराग संदीपनी ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो मैंने तुलसी पंचामृत के आखिर में रखा है। इस पर ध्यान दीजिए, जो कोई कोप भरे मुख बैना, सन्मुख हते गिरासर पैना, कोई क्रुद्ध हो करके सामने वाक बाण छोड़ रहा है, कठोर कठोर वचन कह रहा है, जो कोई कोप भरे मुख बैना, सन्मुख हते गिरा सर पैना, तुलसी तो लेस रिसनाई, इतना अपने लिए सुन करके भी लेस मात्र क्रोध न हो, सो शीतल कहिए जगमाई, वो जगत में शीतल है। अति शीतल अति ही अमल सकल कामनाहीन, तुलसी ताही अतीत गनि वृत्त शांति लय लीन। अति शीतल सब कामना से हीन, शांत वृत्त में लय लीन रहो। दुर्जन कटुकाते हैं, सज्जन सम्मान करते हैं, दुर्जन निंदा करते हैं, सज्जन प्रशंसा करते हैं, लेकिन कल्याणार्थी साधक दोनों में विचलित नहीं होता है। ये भवसागर से तरना है। बाहर भवसागर नहीं है, भवसागर मन है, खास मन है। केवल मन संभाल ले, तन संभल गया, समाज परिवार देश सब संभल गए, लेकिन सबका अपना अपना महत्व है। शरीर में रोग आया तो धैर्य, परिवार में कुछ उथल पुथल तो धैर्य, समाज में कुछ उथल पुथल तो धैर्य, राजनीतिक उथल पुथल तो धैर्य, व्यक्तिगत आकर के हमें कोई भला बुरा कहने लगा धैर्य, सह लेना, सिर झुका लेना, सबसे हार जाना और अपनी वासना का क्षय करना, यही भवसागर तरने का रास्ता है। जो कर पावे ये करे, जिनको अहंकार हो और कुछ करने का वो कर ही रहे हैं, सभी कर रहे हैं, वो वैसा करें, लेकिन जो विनम्र साधक हैं, जो भवसागर तरना चाहते हैं, उनका रास्ता यही है। सब ते लघुता भली, लघुता ते सब हो, जस द्वितीया को चंद्रमा, शीश नवे सबको।